इनके लिए फॉरेन जर्नीज भी आ सकते हैं, फॉरेन से जॉब ऑफर्स भी आ सकती हैं, हॉस्पिटल के खर्चे भी आ सकते हैं। तो उनको थोड़ा सा, जैसे कहते हैं कि बचना है, हेल्थ वाइज भी बचना है इनको, और इस टाइम पे इनको बाहर से, अब्रॉड से कोई कैरियर की ऑफर भी आएगी, कैरियर डेवलपमेंट भी आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, जो लोग पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं और रब्ता कर सकते हैं। नाजरीन, आपसे एक प्रॉमिस किया था ट्रांजिट के हवाले से, अभी तक हम वो निभाते आ रहे हैं। मोहम्मद साहब बहुत ज़बरदस्त हमें रिसर्चेस दे रहे होते हैं और आप लोगों के वो सामने होता है, मरकरी ट्रांजिट इंटू स्कॉर्पियो, जो कि इवेंट अभी होने वाला है और 1 अक्टूबर के लास्ट में होगा, और इसका बेनिफिट जो है वो मिड ऑफ नवंबर तक आप लोगों की जिंदगियों में रहेगा। मतलब इसके असरात वहां तक रहेंगे, उससे आगे वैसे 45 डेज तक ये चलती हैं चीजें। इसमें पूछते हैं किसको फायदा है, किसको नुकसान है, कौन सा जोड़ी पैसा आ रहा है, कौन सा जोड़ी ट्रैवल कर रहा है, कौन सा जोड़ी अच्छे पेपर देगा। ये सारी बातें, जहां जहां ग्रे एरिया होगा वहां पे सामा साहब आपको गाइड करेंगे। नेगेटिव होगा तो वही चीज पूछेंगे इनसे जो ट्रांसिट के हवाले से डिस्टर्ब होगी, जो नहीं होगी इसका मतलब वो आपकी चीजें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? आप ठीक हैं सर? थैंक यू सो मच फॉर टाइम। शुक्र अल्लाह का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, मरकरी को ना हम इसीलिए 8 दिनों की दी थी लास्ट फोरकास्ट, और कहा था कि 29 को जब ये स्कॉर्पियन में जाएगा तो ये जो हम मरकरी की दे रहे हैं राइज इन लिब्रा, ये 8 दिन के इम्पैक्ट है, उनमें बड़ा फायदा होता है। मिसाल के तौर पर, आपके पेमेंट रुकी हुई थी, आपको समझ नहीं आ रही थी, आपकी अकल सलामत नहीं थी, तो आपको फैसले लेने के 8 दिन मिल गए थे फिनेंशियल गेन्स के, कारोबारी मामलात को सुलझाने के, क्योंकि मरकरी राइज हुआ था। मरकरी जब राइज होता है, जिनका रूलिंग प्लैनेट है जैसे आपके जमनाई और वर्गो, उनको तो अचानक बहुत जबरदस्त उनके लिए तो होता है, लेकिन ओवरऑल भी सबके जिस हाउस में बैठा है, या वहां खर्चा कराएगा, यहाँ वहां धोखा दिलाएगा, यहाँ वहां पैसा देगा, जिस भी एंगल में, जिस भी पर्सनलाइज चार्ट में जो होगा वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मरकरी मेरा जाती आप लोगों को होता है कि सन, मरकरी और वीनस, ये जो तेज तरीन ट्रांजिट होते हैं ना, इन पे तो जेन बना के रखा करें कि ये हफ्तावार, या क्योंकि मरकरी अभी हमने राइज 8 दिन का देखा, अब स्कॉर्पियन में जा रहा है तो उसके 15 नवंबर तक इम्पैक्ट होंगे, फिर जब डायरेक्शन बदलेगा तो फिर इम्पैक्ट इसके उसी घर में बदल जाएंगे। इसलिए हमें मरकरी बार बार शॉर्ट टर्म देना पड़ता है, और मरकरी को अगर लोग समझ जाएं तो मैं समझता हूं कि हमारे साथ अगर लोगों ने मरकरी को पकड़ लिया ना, फॉलो करना तो ये कम से कम धोखे, फिनेंशियल इश्यूज और अकल के जो फैसले हैं, इन तीन हिस्सों में जिंदगी के, टेस्ट पेपर मुकाबले के इम्तिहान, बच्चों की कारकर्दगी, पेपरों की कारकर्दगी या एजुकेशनल, उसमें इनको मजा आने लगेगा, और पहली दफा ये समझेंगे कि एस्ट्रोलॉजी कैसे बेनिफिशियल हो सकती है, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। अब आते हैं सबसे पहले इसके नेगेटिव इम्पैक्ट जिन पे होने हैं। एरीज को एहतियात करनी है, एरीज के लिए क्योंकि 8th हाउस में होगा उनके, तो 8th हाउस आपको पता है सडन गेन सडन लॉसेस का, ऊपर से आपका उसमें जा रहा है, 6th हाउस का लॉर्ड है ये उनके एरीज के लिए, और जा 8 में रहा है तो 6th हाउस तो पहले ही दुश्मनों का घर होता है, मुकाबले का, लीगल साइड्स का, डेली रूटीन का, और जा रहा है सडन के घर में जहाँ सडन चीजें ट्रिगर होती हैं, तो उनको थोड़ा सा, जैसे कहते हैं कि बचना है, हेल्थ वाइज भी बचना है इनको, और क्योंकि 6th हाउस जो है हेल्थ का भी होता है, तो ये हो सकता है कि ये स्किन इश्यूज दे दे, क्योंकि मरकरी स्किन की डिजीज़ को भी वो करता है, खसूसन उनके जिनके 6ठे घर में बैठ जाए या 6ठे घर का रूलिंग प्लैनेट हो, तो स्किन इश्यूज इनको आ सकते हैं, थ्रॉट इश्यूज आ सकते हैं, और सडन हैपनिंग हो सकती है, मेंटल रेस्टलेसनेस हो सकती है, क्योंकि अकल का भी यही जो है इसका, समझ लें कि आपकी बुद्धि, बुद्ध इसीलिए कहते हैं इसको इंडियन उसमें, और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा चीज़ों को, कम्युनिकेशन को आर्गूमेंट्स में ले जाएगा, और हेल्थ वाइज ट्रबल करेगा, मेंटल रेस्टलेसनेस देगा एरीज को,
15 नवंबर तक। उसके बाद जेमिनी के लिए, जेमिनी के लिए देखें, इसके लिए इनकी मदर की हेल्थ की इनको केयर करनी पड़ सकती है, उनकी लुक आफ्टर करें, मेडिकल के खर्चे आ सकते हैं, बढ़ सकते हैं, माँ पे खर्च आ सकता है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे मुझे लगता है कि सोशलाइज करना जो है वो भी कम हो सकता है, काम का इनके लिए बर्डन बढ़ सकता है, मामू से मुलाकात हो सकती है इस दौरान, माँ उनकी तरफ जाए या इस तरह से, वो भी हो सकता है। और ये थोड़ा सा ये है कि बिजनेस पीपल को थोड़ा सा रिस्क से बचना है, क्योंकि ये सडन गेन सडन उसको फ्लक्चुएट करेगा। उसके बाद सैजिटेरियंस के लिए एक्सपेंस इनको हो सकता है, इनके लिए फॉरेन जर्नीज भी आ सकते हैं, फॉरेन से जॉब ऑफर्स भी आ सकती हैं, हॉस्पिटल के खर्चे भी आ सकते हैं, आइसोलेशन भी है, क्योंकि ये जो है इनके 12वें घर में जा रहा है। 9 सैजिटेरियस होता है, 8 स्कॉर्पियन होता है, स्कॉर्पियन में जा रहा है तो 12वां घर किसका होता है जी, फॉरेन ट्रेवल का, एक्सपेंस का, बैड प्लेयर्स का। और इसी तरीके से जो है वो, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये थोड़े से एक्सपेंस बढ़ा सकता है। और इस टाइम पे इनको बाहर से, अब्रॉड से कोई कैरियर की ऑफर भी आएगी, कैरियर डेवलपमेंट भी आएगी, लेकिन थोड़े से हर्डल और परेशानियां भी साथ रखेगा। और उस टाइम पे हो सकता है कि पैसे तो आ रहे हो लेकिन खर्चा बढ़ा रहे, बचने ना दे बस 15 नवंबर तक कुछ भी जेब में, जितना आया उतना ही गया, ऐसी सूरत हाल सैजिटेरियस को मिल सकती है। उसके बाद आ जाएं जी टॉरस, पॉजिटिवली इनके लिए टॉरस के लिए होगा। और टॉरस के लिए मैं समझता हूँ कि पार्टनरशिप्स या इनकी पार्टनर के, लाइफ पार्टनर के साथ चीजें, और जैसे कहते हैं ना कि प्यार मोहब्बत, उसमें इजाफा रहेगा। और इसी तरीके से मैं समझ रहा हूँ कि इनके लिए इनकी शादी का वजह भी बन सकता है, इन दिनों में इनके डेट्स रखी जाएं, शादी के दिन आ जाएं। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि शादी में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उनको भी रिपेयर करेगा। उसके बाद सर ल्यू, ल्यू के लिए मैं समझता हूँ कि खर्चा होने वाला है घर पे, कोई घर की चीज पे, मदर पे, मदर के लिए, और घर को खरीदने में या घर की मेंटेनेंस पे, या कोई कार या कोई इस तरीके की चीज जो चौथे घर से रिलेट कर रही है, उस हिसाब से इनके लिए खर्चा इस घर में नजर आ रहा है। और इसके चांसेस ये होंगे कि बचने कुछ नहीं देगा, पैसा लगवा देगा, लेकिन साथ ही 10वें घर को भी देख रहा है, डूइंग हाउस को, तो पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी। तो इस हिसाब से समझना चाहिए, जब आ रहा हो जा रहा हो तो खैर है, इट्स गुड, जमा करके क्या करना है। उसके बाद कैप्रिकॉर्न के लिए सर, कैप्रिकॉर्न के लिए मेरा ख्याल रहेगा कि जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनको उनकी मेहनत का फल मिलेगा, कंपटीशन अगर एग्जाम देंगे तो कामयाब होंगे कैप्रिकॉर्न्स। और इसी तरीके से इनको फिनांशियल मदद मिलेगी, अगर कोई जैसे आजकल स्टार्टअप्स के लिए किसी ने अप्लाई कैप्रिकॉर्न ने किया हुआ था या कुछ इस तरह का प्लान था तो वो भी मिल पाएगा। और इसी तरीके से बड़े बूढ़ों से, ओल्डर बहन भाइयों से, बड़े बहन भाइयों से मदद मिल सकती है। इसी तरीके से आपकी समझ लें कि प्रोफेशनल लाइफ में भी एडजस्टमेंट अच्छी रहने वाली है, एजुकेशनल वाइज भी, कम्युनिकेशन भी अच्छी होने वाली है। लेकिन ये समझें कि अगर कोई राइटिंग की इंडस्ट्री से थे, पब्लिक कम्युनिकेशन से थे, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अब आ जाएं कि इसमें करना क्या है, रेमडी इसकी क्या होगी। ये थे वो जिनके लिए बहुत थोड़ा सा एहतियात करनी थी, या बहुत ज़बरदस्त जो पॉजिटिव था वो ये था मरकरी का ट्रांजिट 15 नवंबर तक। अब हम इसको अगली 15 से पहले, 2-4 दिन पहले इसकी अगली दे देंगे मरकरी की। और हम जो फॉलो कर रहे होते हैं, अपने व्यूवर्स को फिर बता दें कि हम वैदिक उसको फॉलो कर रहे होते हैं, हमारा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद जो इसकी रेमेडी है वो ये है कि ग्रीन दाल परिंदों पर डालते रहें, रात को भिगो दें, और बुध वाले दिन
परिंदों को दे दें या रेगुलर भी, क्योंकि मरकरी की ये पोजीशन है, खसूसन जिनके लिए प्रॉब्लमेटिक है उनको तो चाहिए रात को हरी दाल भिगो दी, सुबह परिंदों को डाल दी, सबसे बेस्ट मैं समझता हूँ। या जिनको थोड़ा सा और मरकरी तंग करे वो इलायचियों का पाउडर बना के गर्म पानी के अंदर डाल के, मतलब उबलते हुए नहीं, उतार के रख के फिर पाउडर की चमची डाल के उससे नहा लिया करें, एक पानी का बहा लिया, और ये बहुत अच्छी रेमेडी है। बल्कि अगर इसमें अत्तर डालना शुरू कर लें ना इन फ्यूचर, वीनस भी साथ कर लें, फलक साहब फाइनेंशियल तो पता नहीं छप्पड़ फटेंगे अगर इस बात पे कोई आ जाए ना मेरी, कि एक दो तीन कतरे अत्तर के आखिरी कप में डाल के अपने ऊपर बहा लें, मजे। और इसी तरीके से इलायची के भी, ये क्योंकि ये मरकरी की है तो मैंने फिर मरकरी की दे रहा हूँ कि हरी चीज मरकरी से रिलेट करती है, हरी चीज का सदका मरकरी का बनता है। ट्रांसजेंडर्स को बड़ा अच्छा है कि आप लोग इस टाइम में जिनके लिए कॉशन दी है उनको लुक आफ्टर करें। तो ये थी हमारी जो मरकरी की फोरकास्ट। ठीक हो गया, मरकरी ट्रांसिट इन स्कॉर्पियो जो सामा साहब ने हमें बताया, सामा साहब सबसे ज्यादा समझते हैं टॉप ऑफ, जिसने एहतियात करनी है और टॉप ऑफ समझते हैं ये जोडिक टॉप पे है, जो मेन फर्स्ट और फर्स्ट एहतियात फर्स्ट पॉजिटिव, वो कौन सा आपकी नजर में इस ट्रांजिट में आप समझते हैं और बाकी वो मैं कमेंट करके बताएं किसमें सॉरी, मतलब इसी मरकरी के हिसाब से बात कर रहे हैं ये ट्रांजिट जब 28 अक्टूबर से आई थिंक हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 29 अक्टूबर से, तो ये बताएं कि इसमें आप सबसे ज्यादा टॉप एक जोडिक, ये तो आपने सारे बताए लेकिन जो टॉप पे आप समझते हैं इसको तो होना ही होना है और यहाँ वो जिसने सबसे एहतियात करनी है। देखें इस तरीके से मरकरी को यूं नहीं लेना चाहिए, मरकरी अच्छा। सबकी आपके मेरे लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है, हमने तो वो जिसके लिए थोड़ा सा बेस्ट है, मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है यार, उसका तो है पेपरों का मसला, उसको पैसा तो नहीं चाहिए इस वक्त, वो तो पैसे दे के पेपर पास करता फिर रहा है, ठीक है, तो अब उसको क्या चाहिए, मरकरी का ये टाइम जो उसका पेपर अच्छा करा दे, मुकाबले के इम्तिहान में पास करा दे, वो मुकाबले के इम्तिहान के लिए तो पैसे उठा के फिर रहे हैं कि भी पास करा दे कोई या नौकरी लग जाए, समझ रहे हैं। तो हर चीज को ना एक ही अंदाज से ही तोलते, किसी बहुत बड़ी है तो ये सब के लिए जो जो इसमें मिसाल के तौर पर जी अब स्टूडेंट है तो बेस्ट उसके लिए, तो कैप्रिकॉर्न स्टूडेंट है तो सबसे बेस्ट है उसके लिए, पॉइंट समझते जाए ताकि आयदा ना आप लोगों को थोड़ी सी ना एस्ट्रोलॉजी को सही अंदाज से समझ ना आए। अब माँ से प्यार करता है, माँ के लिए कुछ करना चाहता था तो लियू के लिए सबसे अच्छा है, क्यों, अब इसमें वो घर की चीजें भी बनाएगा, गाड़ी लेना चाहता था या माँ को कोई गिफ्ट करना चाहता, खुश करना चाहता था, माँ पे खर्चा करना चाहता था, करेगा माँ पे करेगा तो पूरा कम्फर्ट जोन उसका चौथा घर ठीक होगा, कम्फर्ट ही कम्फर्ट वापस आने लगेगी। अब आप बताए ना, मैं टॉप क्या बताऊं, आप अगर किसी की आप देखें कि टॉरस है, टॉरस के लिए उसकी मैरिज लाइफ रिपेयर हो रही है, वो बेशक जितना मर्जी अमीर आदमी है, घर में उसके बेगम की बन नहीं रही थी, लूट के गई थी या टाक पाक हो रही थी, उसके लिए तो सबसे अच्छा यही है कि सिर्फ यही काम उसका जिंदगी का वो था, वो बहुत बड़ा मिलियनेयर है या अफसर है या जो है, उसकी तो जिंदगी का रौला ही है, पॉइंट समझ रहे हैं। तो इसको इन चीजों को इस तरीके से ना लिया करें, ये जिसकी बेचारे के पास जो नहीं है ना उसके लिए वही मामला ही उसका सब कुछ है। और हम भी अलहदा अलहदा से हर एंगल से उसको बताने की कोशिश कर रहे होते कि शायद किसी को हम हेल्प आउट कर सके। बहुत शुक्रिया समर साहब आपका, बड़ी जबरदस्त आपकी रिसर्च होती है, दुनिया आपको सुनती है और आपकी बातों को इस्तेमाल भी करती है। बाकी सब्सक्राइब जो नाजरीन हमें करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए, इस तरह के ट्रांजिट जैसे जैसे लगेंगे दुनिया में उस पर हम बात करेंगे, आसमान पर जो हलचल होगी इधर सामा साहब के कॉपी और पेन पे होगी, और इंशाल्लाह ताला आगे और भी मजेदार और मजीद ऐसे टॉपिक हैं एस्ट्रोलॉजिकल जिसे आप जानकर आप मुस्तफीद होंगे। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।